अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल पर एक नया प्ले स्टोर आईडी कैसे बनाएं? अगर आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक नया प्ले स्टोर का आईडी बनाना चाहते हैं और आप लोगों को नहीं पता कि मोबाइल पर एक नया प्ले स्टोर का आईडी कैसे और कहां से बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल के यूज़ करके एक नया प्ले स्टोर आईडी बना सकते हैं। तो मोबाइल पर प्ले स्टोर आईडी बनाने के लिए अपने मोबाइल में अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करें और इसे ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नए अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है साइन इन का, तो सिंपल से साइन इन के बटन पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन का लॉक कन्फर्म करें और लॉक कन्फर्म करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद वेट करें थोड़ा सा। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नए अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, फॉर माई पर्सनल यूज़ फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालें, नाम डालने के बाद नेक्स्ट करें, उसके बाद अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। अब अगर आपके पास आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई फर्जी भी आप डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे जेंडर पे क्लिक करें, अपने हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मैं मेल हूँ, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करें, उसके बाद यहाँ पर एक यूज़र नेम डालें, तो कोई भी यूज़र नेम आप डाल सकते हैं, मैं अपने नाम से ही यूज़र नेम बना लेता हूँ यहाँ पर। तो अपना नाम लिखें और नाम के साथ कुछ नंबर ऐड करें, नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट करें, तो यह अवेलेबल नहीं है, कुछ और नंबर ट्राई करें, आप देख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालें यहाँ पर, और पासवर्ड डालने के बाद नीचे जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर ये अकाउंट आपके सामने आ जाएगी। तो नीचे जाइए, दोबारा से नेक्स्ट करें, उसके बाद ये इसका प्राइवेसी और ट्रिम्स है, तो नीचे जाइए, एग्री करें, वेट करें थोड़ा सा, आप यहाँ पर एक्सेप्ट करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्ले स्टोर अकाउंट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर बन चुकी है। तो गाइस इसी तरह से आप लोग अपने मोबाइल पर एक नया प्ले स्टोर आईडी बना सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।